गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। वो लैंड जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। सो सी दैट, क्या दिया है हम देखते हैं। एज वी स्टडीड इन द अर्लियर चैप्टर, द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इन टू हेमिस्फीयर्स। हमने देखा था कि इक्वेटर दो पार्ट्स में बांट देता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथन हेमिस्फीयर। दिस डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, वेजिटेशन, मराइन लाइफ, वाइल्ड एंड ह्यूमन इनहैबिटेशन वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, ये हमें समझने जैसी बात है डियर स्टूडेंट्स, कि उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वेजिटेशन मतलब नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन दिस रीजन क्या है, मराइन लाइफ क्या है, मराइन मतलब समुद्री जीव जंतु उनका जीवन क्या है, वाइल्ड लाइफ जंगली जीव जंतुओं का क्या है, ह्यूमन इनहैबिटेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, और ह्यूमन हैबिटेशन जो इस पार्ट्स में है वो कैसा है। तो जब लैंड को दो इक्वेटर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो हमें सबसे पहले समझने की जो थी कि कौन सा रीजन कहाँ आता है, उसका कंडीशन क्या है, वहाँ का वाइल्ड लाइफ क्या है, वहाँ का मराइन लाइफ क्या है, सारी चीज़ें। द रीजन फ्रॉम 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटर रीजन। वो इक्वेटर रीजन उस पार्ट को कहा जाता है जो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ इक्वेटर रीजन में आ जाते हैं। दिस रीजन रिसीव हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यू टू दिस पोजिशन। 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में जो इक्वेटर है तो इक्वेटर रीजन कहलाता है, और यह रीजन बहुत ही ज़्यादा सनलाइट इसको, इस पोजीशन को, इस पार्ट को यहाँ पे मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से इक्वेटर रीजन इसके बारे में बताया जा रहा है। नाउ हम लोग देखेंगे क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट क्या है। दिस इज़ द टॉरिड जोन ऑफ द अर्थ विच एक्सपीरियंस वेरी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर थ्रू आउट द ईयर। हाई लेवल ऑफ वाटर वेपर इन एटमोसफियर, जब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की वाटर वेपर इन्वायरमेंट में रहती है तो वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। थ्रू आउट द ईयर द इवेपरेशन इन रिवर्स, लेक्स, अदर वाटर बॉडीज वेरी हाई इन दिस एरिया। दिस इज इंक्रीज ह्यूमिडिटी कंसिडरेबली, हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स वेरी क्विकली। अब यहाँ पे टेम्परेचर आप जानते हैं ज़्यादा रहता है, तो वाटर वेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है। जब वाटर वेपरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो डियर स्टूडेंट ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से क्लाउड ज़्यादा बनते हैं एंड वेरी क्विकली एवरी डे विद इन फ्यू आवर्स ऑफ सनलाइट द ह्यूमिडिटी इज इक्वेटोरियल रीजन इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट इज रीच टू सेचुरेशन पॉइंट। दिस कॉज प्रिसिपेशन डेली, प्रिसिपेशन डेली मतलब डेली यहाँ पर रेनफॉल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे ह्यूमिडिटी फ्यू ही आवर्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वेपरेशन होता है और ह्यूमिडिटी एक्सट्रीम हो जाती है और प्रिसिपेशन और बादल बनते हैं जो कि डेली रेनफॉल के लिए अकर होते हैं। द क्लाइमेट इन दिस रीजन रिमेंस ऑलमोस्ट द सेम राउंड द ईयर, और पूरे साल ये क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पे रहता है। दिस मीन्स दैट द इक्वेटर रीजन डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन। इसका मतलब होता है कि जो इक्वेटर रीजन होता है वो पूरे साल एक ही क्लाइमेटिक एक ही सीजन के थ्रू चलते रहता है। फ्यू कंट्रीज फॉलिंग द इक्वेटर रीजन, उनकी लिस्ट दी गई है, कॉन्टिनेंट्स, और एक तरफ आपको दिया गया है कंट्रीज। सो पहले कॉन्टिनेंट देखते हैं, साउथ अमेरिका, इक्वेडोर, कोलम्बिया, ब्राज़ील एक्सेट्रा। अफ्रीका में लिब्रिया, आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, गुएना एंड कॉन्गो। एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, एंड ऑस्ट्रेलिया में ओनली ऑस्ट्रेलिया। एक क्लाइमेटिक जोन वहाँ पे, मतलब इस क्लाइमेटिक जोन में एक कॉन्टिनेंट्स और में ये सारी कंट्रीज आती हैं। वेजिटेशन देखते हैं डिस्ट्रेंट, द रीजन इज हेवन फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। ये ट्रीज के लिए एक स्वर्ग जैसा है, हेवन मतलब स्वर्ग जैसा है। इट रिसीव ऑप्टिमम सनलाइट एंड हाई हैज डेली प्रिसिपिटेशन। एक ट्रीज को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, पानी और सनलाइट, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे रेगुलर मिलती रहती हैं। दैट इज़ वाई एक्सपेरिमेंटली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट आर इन दिस एरिया, और यही कारण है कि 50% ऑफ जो प्लांट्स हैं इसी एरिया में वर्ल्ड के पाए जाते हैं। इवन दो दिस रीजन ऑक्यूपाइज ओनली 6% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, और ये जो रीजन है यहाँ पे ओनली 6% ही लैंड फॉरेस्ट के लिए अवेलेबल है, और उसमें 50% उसमें 50% प्लांट वर्ल्ड के ग्रो होते हैं। तो थिंक अबाउट दैट कि वहाँ पे क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा और वहाँ पे सनलाइट और प्रिसिपेशन क्या रहेंगे। द
ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट बियर फ्रूट्स एंड शेड लीव्स बट अ डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर। यहाँ पे फूल पत्तियाँ आते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। ड्यू टू दिस ऑटोमन नेवर कम्स इन दिस सीजन, और यहाँ पे ऑटोमन सीवर कभी आता ही नहीं है कि पत्तियाँ एक साथ झड़ जाएं। दिस फॉरेस्ट आर डेफ ऑल्सो कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसलिए इस फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नाउ दिस ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट ग्रो, दिस ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट इज ग्रो इन सर्वर लेयर्स एंड द टालर ट्रीज स्प्रिड देयर ब्रांचेस फॉर्मिंग अ कैनोपी ऑफ एट द टॉप। द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द फॉरेस्ट रिमेन ऑलमोस्ट ड्राई ड्यू टू द लो पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट इनसाइड द कॉपी। अब क्या होता है कि पेड़ इतने हाइटेड और इतने घने हैं यहाँ पर कि नीचे डार्कनेस ही रहता है ऑलवेज। द लोअस्ट स्ट्रेटम ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड विथ श्रब्स स्मॉल ट्रीज क्रीपर्स वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्स आर ऑल्सो फाउंड एविडेंस इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट। सम कॉमनली फाउंड ट्रीज, यहाँ पे जो कॉमनली ट्रीज पाए जाते हैं लियांस कपोक बाम्बूस कोकोनट फॉन्स फिलोंडस एंड बेरोमेलिडियट्स। तो यहाँ पे जो डिस्टूडेंट्स है कि फॉरेस्ट बहुत ही घना है, बहुत ही डार्क है, ड्यू टू द प्लांट इतने सारे हैं तो डार्कनेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट में कॉमनली ट्रीज पाए जाते हैं तो मैंने कहा लियांस कपोक बाम्बूस कोकोनट फॉन्स फिलोंडस बेरोमेलिडियट्स। ओके नाउ हम लोग देते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या है। डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस रीजन, तो आप जानते हैं कि फॉरेस्ट डेंस है। सो द लश ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू द वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और ये वैरायटी ऑफ टाइप वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। स्पेशली द ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स लाइक मंकीज चिपेंजीज गोरिल्ला स्क्वायरल्स फ्लाइंग फॉक्सेस, यहाँ पे सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स मंकीज जो एक पेड़ से दूसरे पर, चिपेंजीज गोरिल्ला स्क्वायरल्स फ्लाइंग फॉक्सेस। एक्वेटिक लाइफ ऑल्सो थ्राइव्स इन फॉर्म ऑफ क्रोकोडाइल्स, एक्वेटिक मतलब जो पानी के जीव हैं क्रोकोडाइल एलिगेटर स्नेक्स टर्टल्स फिश एंड अदर्स। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑफ ग्रेट वराइटी आर ऑल्सो फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में बर्ड्स और इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों की भी ग्रेट वराइटी पाई जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि जिस तरह से डेंस फॉरेस्ट है तो इस डेंस फॉरेस्ट में उसी तरह से वाइल्ड लाइफ भी बहुत डेंस है। यहाँ पे एक्वेटिक एंड पेड़ों पे रहने वाले ऑन ट्रीज एंड इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स भी वराइटी ऑफ टाइप्स की यहाँ पे पाए जाते हैं। ह्यूमन लाइफ क्या है, द एवरग्रीन फॉरेस्ट ड्यू टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशन एवरेंस ऑन डेली बेसिस एंड देयर डेंसिटी डू नॉट प्रोवाइड अ वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर ह्यूमन लाइफ थ्रू ह्यूमन पॉपुलेशन दिस फॉरेस्ट वेरी थिन ओनली फ्यू नोमैडिक ट्राइब्स लाइक इन पाइजम्स ऑफ झराई सेगमेंट्स ऑफ मलेशिया एंड क्यूबूज ऑफ सुमात्रा लिव इन दिस फॉरेस्ट। अब क्या होता है कि यहाँ पे मोस्टली आदिवासी पीपल ही रहते हैं, बंजारास पीपल जिसको हम कह सकते हैं, बिकॉज की पॉपुलेशन इसलिए नहीं है कि ह्यूमन लाइफ के लिए सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे लैंड नहीं है कि वो एग्रीकल्चर कर सकें, दैट इज़ द मेन रीजन। दे आर डिपेंड्स ऑन फूड गैदरिंग, मोस्टली डिपेंड करते हैं फूड गैदरिंग पे, हंटिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसमें यहाँ पे एक वर्ड दिया है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, दैट मीन्स शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो चीज़ है डियर स्टूडेंट जिसमें कि हम यह देख सकते हैं कि जिस जगह पे आज खेती कर रहे हैं वहाँ पे खेती किए उसको उगाए वो ख़त्म हो गया, अब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई तब हम दूसरी फर्टाइल लैंड ढूंढेंगे उसको छोड़ देंगे, तो इसी को कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। दे क्लियर पीस ऑफ फॉरेस्ट एंड डू कल्टिवेशन देयर फॉर फ्यू हार्वेस्टिंग सीजन आफ्टर द लैंड लॉस फर्टिलिटी दे हैव मूव नियर रीजन। मलेरिया इज द डेडलीस्ट डिजीज ऑफ दिस, इस रीजन में सबसे डेडली जो डिजीज है बीमारी वो क्या है, मलेरिया। द इक्वेटरल रीजन इज सिचुएटेड 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेरी डेंस एंड आर फिल्ड विथ अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड इन दिस रीजन एंड रेन फॉल इज डेली। ह्यूमन पॉपुलेशन इज स्पेस इन दिस फॉरेस्ट ओनली फ्यू नोमेडिक ट्रिप्स लाइफ इन दिस फॉरेस्ट, यहाँ पे नोमेडिक लाइफ ज़्यादा है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन आंसर, टेक द करेक्ट आंसर। द इक्वेटोरियल रीजन इज ऑल्सो नोन एज टॉरिड जोन,
विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन इक्वेटोर फॉरेस्ट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों है स्टूडेंट्स आप जान चुके हैं। विच डिजीज इज बिगेस्ट किलर फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इक्वेटोर रीजन मलेरिया। द इक्वेटर रीजन इज बिटवीन 10 degrees north टू 10 degrees south। द इक्वेटर रीजन रिसीव अ हैवी रेनफॉल। नाउ देखते हैं मैच द फॉलोइंग। पीपल ऑफ द पैजमी ट्रिब लिव इन जराय। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर ह्यूमिड। पीपल ऑफ द खुबुस ट्रिब लिव इन सुमात्रा। द पार्ट ऑफ इंडिया दैट फॉल्स इन इक्वेटोरियल रीजन इज साउथ। द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डेंस। हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द इक्वेटोरियल रीजन इज वेरी हॉट। ओनली फ्यू ट्रिबल पीपल इनहैबिटेड इन इक्वेटोरियल रीजन। द क्लाइमेट इन द इक्वेटोरियल रीजन रिमेन्स ह्यूमिड ऑल अराउंड द ईयर। द ऑटोमन सीजन नेवर कम्स इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। द टू साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स फॉलोइंग इक्वेटोरियल रीजन आर इक्वेडोर एंड कोलम्बिया। यहाँ पे यह रीजन्स में पाया जाता है। तो आपने डिस्टूडेंट देखा कि किस तरह से यहाँ पर ये जोन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं, डेंस फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इक्वेटोरियल रीजन जो है वो डेंस फॉरेस्ट लैंड है। यहाँ की फॉरेस्ट बहुत डेंस है क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट इतना है, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन लाइफ स्पेड है, यहाँ वहाँ फैली हुई है एंड लोग नोमेडिक लाइफ जीते हैं ड्यू टू द एग्रीकल्चर। क्या है यहाँ पे शिफ्टिंग पोजीशन में है कि आज एग्रीकल्चर है, फर्टाइल लैंड जब तक है तब तक यहाँ पे एग्रीकल्चर, और फर्टिलिटी ख़त्म होने के बाद और नेक्स्ट किसी दूसरी जगह जाके टूटा जाएगा। सो थैंक यू डेस्ट।